इस सेशन पे हम डिज़ाइन टैब को देखेंगे एमएस वर्ड पे कि डिज़ाइन टैब के अंदर क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं और किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में उन तमाम ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने होम टैब और इसी तरह इंसर्ट टैब को देखा था और तमाम इसमें जो मौजूद ऑप्शन हैं वो तमाम ऑप्शन हम देख चुके हैं कि हम डॉक्यूमेंट में किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है कि हम होम और इंसर्ट की तमाम चीज़ों को समझें। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो सेशंस को देखें, देन ही आप फर्दर चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो डिज़ाइन टैब के अंदर आने के बाद यहाँ पर कुछ डमी टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। इस डमी टेक्स्ट को मज़ीद पावरफुल या मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक हेडिंग बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ टाइटल हेडिंग। सिमिलरली इंटरप्रेस करने के बाद टैब और उसका नाम रखता हूँ सब टाइटल हेडिंग। अब आप होम पर आएँ और होम पर आने के बाद ये जो टाइटल हेडिंग है मैं इसे बना देता हूँ हेडिंग वन, ठीक है। ऑल दो ये हेडिंग वन क्या है हम होम के सेशन के अंदर इसे डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरी हेडिंग यहाँ पर जो मौजूद है इसे मैं हेडिंग टू बना देता हूँ। तो आप हेडिंग वन एंड टू में साइज़ का डिफरेंस देख रहे हैं, ये इस बात को जाहिर कर रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में ये मेन टाइटल हेडिंग है और ये उसकी सब हेडिंग है एंड सब हेडिंग के बाद यहाँ पर उसका डेटा मौजूद है जो इस पैराग्राफ में शो किया जा रहा है। अब मैं इस पूरे पैराग्राफ को विद टाइटल एंड सब टाइटल हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन के बाद डिज़ाइन पर आता हूँ। तो आप यहाँ पर कुछ थीम्स देख रहे हैं। थीम से मुराद ये होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंटेशन की यूआई है यानी जो इंटरफेस है वो किस तरह से वो दिखेगा, उसकी फॉन्ट फैमिलीज, कलर्स, पैटर्न, ये तमाम चीज़ें थीम्स में काउंट होती हैं। तो जैसे ही इस रेडीमेड थीम्स पर मैं होवर कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि तमाम चीज़ें चेंज हो रही हैं, यानी ना सिर्फ टाइटल हेडिंग के कलर्स चेंज होते हैं बल्कि उसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो रही है और जो उनका पैटर्न है लिखने का वो भी चेंज हो रहा है। तो आप इनमें से किसी भी थीम को चूज़ कर सकते हैं। ऑल दो ये थीम आप खुद भी बना सकते हैं, यानी फॉन्ट फैमिली से फॉन्ट फैमिली को सेलेक्ट करें और उसके बाद हेडिंग के कलर को चेंज करें, लेकिन यहाँ पर ये मौजूद है। आप इस पर होवर करेंगे किसी पर भी तो उसका रिजल्ट आ रहा है। नीचे रीसेट का मतलब ये है कि वो टाइटल्स उसी पर हम वापस आ जाएंगे, वो तमाम थीम रीसेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जो आपने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद दोबारा थीम पर आता हूँ और इसे रीसेट कर देता हूँ तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद नीचे ऑप्शन ब्राउज़ का है, इसका मतलब ये है कि आप नेट के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं थीम को, और अगर आपने खुद से कोई थीम बनाई है तो आप उस थीम को सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये थीम जो बनी हुई है जो कि मेरे डॉक्यूमेंट में शो हो रही है, ऐसा कोई थीम यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं इसे सेव भी कर सकता हूँ। तो सेव करने के लिए आप थीम पर जाएंगे और यहाँ पर उस थीम को सेव भी कर सकते हैं अपने डायरेक्टिव पे, जो कि सी के अंदर आप देख रहे हो। मैं माइक्रोसॉफ्ट टेम्पलेट्स डॉक्यूमेंट थीम्स के अंदर यहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर आपके थीम को सेव कर दिया जाएगा। तो मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, आप चाहें तो कर सकते हैं। लिहाजा मैं किसी भी थीम पर आता हूँ और होवर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस थीम को चूज़ कर लेता हूँ और थीम को चूज़ करने के बाद नीचे जो इमेज शो हो रही है वाज़िर है वो फूटर की है, और फूटर क्या है हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। लिहाजा इन तमाम टाइटल्स हेडिंग को मैं एक सेपरेट पेज पर ले आता हूँ ताकि विजिबिलिटी बेहतर तरीके से हमें दिखे। लिहाजा मैं नीचे वाले पेज पर आ चुका हूँ और इस टाइटल को दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ जितनी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। सिलेक्शन के बाद जब आपने यहाँ पर थीम लिया है, जो भी थीम आपने चूज़ की है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग पे होवर करोगे तो आप देखोगे उस थीम से रिलेटेड जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट तौर पर चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप बिल्ट इन पर आओगे, यहाँ पर कुछ बने बनाए थीम्स मौजूद हैं उस थीम के मुताबिक जो आपने अभी लेफ्ट साइड से चूज़ किया है। लिहाजा मैं जिस पे होवर कर रहा हूँ आप देख रहे हो उसके मुताबिक चेंजेस होती जा रही हैं और उस स्टाइल के मुताबिक चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो यहाँ से आप किसी भी थीम को चूज़ कर सकते हो अगर उसकी ज़रूरत है, अगर ना आप ख़ुद से किस तरह से बना सकते हो उसके हवाले से भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। लिहाजा मैं इस टाइटल को चूज़ कर लेता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पे कलर्स ऑर्डर है, ठीक है। कलर्स की कॉम्बिनेशन है कि ऑफिस के नाम से एक कलर मौजूद है, ठीक है, और इसके अलावा ब्लू वार्म है, ब्लू है, ब्लू टू है, ब्लू ग्रीन है। इसका इफेक्ट हमें उस वक्त नज़र आएगा जब जो रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट है हमारे जो ब्लैक में मौजूद है मैं उसे कोई कलर दे दूँ। तो रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट हेडिंग के अलावा जो मेरा है इसे मैं एक कलर देता हूँ। होम पर आता हूँ, होम पर हम टेक्स्ट कलर पर आते हैं और इसे ग्रीन दे देते हैं। तो ग्रीन टेक्स्ट कलर हो चुका है, बाकी हेडिंग एंड सब हेडिंग का कलर भी चेंज है, लिहाजा इसकी सिलेक्शन दोबारा करता हूँ। दोबारा करने के बाद डिज़ाइन पर आता हूँ और कलर्स पर जब आप आकर होवर करोगे तो आप उसका इफेक्ट देखोगे कि हेडिंग के अंदर उसका इफेक्ट आ रहा है
क्योंकि वो हेडिंग वो है जो आपने थीम से चूज़ की। ठीक है, मैं इसके फॉन्ट को भी डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, फॉन्ट के कलर को, लिहाजा मैं दोबारा इसकी सिलेक्शन करता हूँ और इसके बाद थीम पर वापस आता हूँ और थीम को रीसेट करता हूँ, यानी डिफ़ॉल्ट पर वापस आ गया। अब डिफ़ॉल्ट पर वापस जब आ गया, विच मीन मैं कोई भी थीम यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जब मैं थीम यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो विच मीन मैं जब मैं इसे ग्रीन कर चुका हूँ तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर्स को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। लिहाजा मैं इस कलर को लेता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पर सब टाइटल हेडिंग का कलर चेंज हो गया क्योंकि ये थीम से रिलेटेड है। फिर इसी तरह आप फर्दर ऑप्शन पर आएंगे तो आप हेडिंग सब हेडिंग के कलर्स को चेंज होता देख रहे हैं क्योंकि ये कलर्स ऑर्डर पे यहाँ पर चेंजेस हो रही हैं। आप अपनी तरफ से कोई कलर बनाना चाहते हो तो कस्टमाइज कलर पर आओगे, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई कलर्स बना सकते हैं और उसको कोई नाम दे सकते हैं। सिमिलरली फॉन्ट फैमिली यहाँ पर मौजूद है, जिस तरह ये फॉन्ट फैमिली हमारे होम पर भी मौजूद है, लिहाजा इस जगह पर तो इसी चीज़ को डिज़ाइन पर भी दिया गया है कि साथ ही साथ आप फॉन्ट फैमिली को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि मैं होवर कर रहा हूँ तो फॉन्ट फैमिली जो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसमें चेंजेस आ रही हैं, तो मैंने एरियल ले लिया, यहाँ से फॉन्ट फैमिली चेंज। जब मैंने फॉन्ट फैमिली चेंज किया उसी रिस्पेक्ट से डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर भी चेंजेस आ चुकी हैं, तो यहाँ से भी आप उन चेंजेस को गेट कर सकते हैं। देन इसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग है, आप पैराग्राफ के दरमियान देख रहे हो कि इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ के दरमियान एक स्पेस है, फिर इसी तरह दूसरे के दरमियान भी है, लेकिन ये इनसाइड पैराग्राफ नहीं है। तो इस चीज़ इसके स्पेस को कम ज़्यादा करने के लिए हम पैराग्राफ स्पेसिंग पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो नो पैराग्राफ स्पेस, विच मीन कोई भी स्पेस नहीं आ रहा है। मैंने होवर किया तो कॉम्पैक्ट के अंदर एक लाइन का स्पेस आ जाता है, टाइट के अंदर जो चीज़ें हैं वो थोड़े स्पेस के साथ होती हैं, ओपन पे उससे ज़्यादा होती हैं, रिलैक्स पे तमाम लाइनों के दरमियान इक्वली ऑलमोस्ट गैप आ जाता है और डबल पे डबल लाइन का गैप आ जाता है। तो बाज़ दफ़ा जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है स्पेस के रिस्पेक्ट से, तो आप उस चीज़ को चेक कर सकते हैं, वहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को उसी चेंजेस पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। मैं नो पैराग्राफ स्पेसिंग पे आता हूँ तो आप देख रहे हैं कि कोई भी स्पेसिंग नहीं। देन यहाँ पर इफ़ेक्ट मौजूद है, इफ़ेक्ट का भी जो सिनेरियो है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपने कलर्स पे ऑर्डर पे देखा था, लिहाजा मैं इस पे जब क्लिक करूँगा तो इसके मुताबिक हमारा जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर कलर्स पर इफ़ेक्ट पर आएँ और इफ़ेक्ट पर आने के बाद मैंने फॉर एग्जांपल दिस को क्लिक किया तो इसका इफ़ेक्ट हमारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग पर पड़ रहा है, जो कि हम पीछे कंसीडर कर चुके हैं कि ये किस तरह से चेंज होता है और ये किस चीज़ पर इसका इफ़ेक्ट आता है जब आप इसे सिलेक्शन के बाद इस पर क्लिक कर रहे होते हैं। देन इसके बाद मैं दोबारा तमाम चीज़ों की सिलेक्शन करता हूँ और सिलेक्शन करने के बाद सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये पूछ रहा है, आपको सजेशन पे दे रहा है कि सेट द करंट स्टाइल सेट एंड थीम इंक्लूड तमाम चीज़ें, कह रहा है कि आप इसको डिफ़ॉल्ट पर सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट से, तो मैंने कहा यस, तो वो क्या करता है उस तमाम थीम को चेंज कर दिया उसने। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करके बैक आ जाता हूँ और इस एरिया को आप सेलेक्ट करके वो चीज़ दोबारा परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे आप यस करते हैं तो वो थीम दोबारा से क्या हो जाती है डिफ़ॉल्ट पे चले जाती है, यानी जो कलर्स के हवाले से आपने चेंजेस की थी इसके अंदर उसी तरह इफ़ेक्ट के रिस्पेक्ट से वो चीज़ें डिफ़ॉल्ट पर दोबारा वापस चली गई। सिमिलरली इसके बाद वाटर मार्क का ऑप्शन है, दैन पेज कलर और बॉर्डर। तो वाटर मार्क क्या करता है इस चीज़ को समझते हैं, जैसे मैंने इस पर होवर किया तो आप देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड पे ड्राफ्ट का वर्ड लिखा है, विच मीन आप अपने डॉक्यूमेंट को कॉपी पेस्ट एंड कॉपीराइट से बचाने के लिए उसके बैकग्राउंड पर कोई स्टेटमेंट लिखते हो, बाज़ दफ़ा वो वर्ड लिखते हैं या सेंटेंस लिखते हैं ताकि वो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद या प्रिंट आउट पे आने के बाद आपको पता हो कि ये चीज़ किस चीज़ को बिलोंग करती है। लिहाजा इसके लिए जो भी तमाम पेजेस होंगे उसमें ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी जो आप इसके बैक पर लिखना चाह रहे हो। तो वाटरमार्क को क्लिक करता हूँ, इसमें डिफ़ॉल्ट तौर पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, आप इनको यूज़ करना चाहते हैं क्लिक करेंगे वो वर्ड्स बैकग्राउंड पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वक्त देख रहे हो कि बैकग्राउंड में वो वर्ड आ चुका है जो कि यहाँ पर शो है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई वर्ड लिखना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी कोई वर्ड लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं इसके लिए। तो अगर मैं वर्ड्स अपनी मर्ज़ी से डालना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं वाटरमार्क में दोबारा क्लिक करूँगा यहाँ पर, इसके ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ लिखा था कस्टम वाटरमार्क, तो कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है जो कि पिक्चर से रिलेटेड भी है और टेक्स्ट पे, पहले हम टेक्स्ट को देखते हैं देन पिक्चर को भी देखेंगे। तो टेक्स्ट पे यहाँ पर आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, आप जो लैंग्वेज लेना चाह रहे हो देन आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखोगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, फहद हुसैन फ्री, तो फहद हुसैन फ्री लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया,
तो आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड पे वो वर्ड आ चुका है, लिहाजा उसमें मज़ीद चेंजेस करना चाहता हूँ। दोबारा आऊँगा और कस्टम वाटरमार्क में जाऊँगा। अब फ्री के आगे मुझे कुछ वर्ड लिखना है, मैं वो भी कर सकता हूँ। देन इसके नीचे ऑप्शन आप देख रहे हो फॉन्ट फैमिली का है, आप यहाँ से फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हो, जो आप फॉन्ट फैमिली पे चाहते हो वो चीज़ है। ऑटो का मतलब ये होता है कि वो चीज़ अपने आप को ऑटो एडजस्ट करती है, ठीक है। यहाँ से आप कलर एडजस्ट करवा सकते हो जिस कलर पे आप चाहते हो बैकग्राउंड में, मैं रेड चाहता हूँ रेड। आप अगर ऑटो नहीं चाहते हो तो आप यहाँ से फॉन्ट साइज़ बता सकते हो, 36 से ये ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है 144 तक। तो अभी रेड रखने के बाद मैंने इसे अप्लाई किया, तो आप अप्लाई में देख रहे हो कि इसने पूरे अपने पेज को एडजस्ट किया है। मैं क्लोज़ करता हूँ और आप यहाँ पर देखोगे कि इसने पूरे फॉर्मेट को, फाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन को, अपने पेज पर एडजस्ट कर लिया, ये हर पेज पर मौजूद है। सिमिलरली आप अपनी मर्ज़ी से कोई साइज़ देना चाहते हो तो दोबारा कस्टम वाटरमार्क पर आओगे और यहाँ से आप साइज़ भी डिफ़ाइन कर सकते हो। कलर के हवाले से भी आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। सेमी ट्रांसपेरेंट पे चेक लगा हुआ है, मैंने इस चेक को हटाया और अप्लाई कर दिया। तो अब आप देखोगे इसमें चेंजेस कि वो डार्क हो गया, ठीक है। आप यहाँ से उसे सेमी ट्रांसपेरेंट करोगे तो वो लाइट हो जाएगा अप्लाई पर। देन सिमिलरली यहाँ पर डायगोनल है, आप इसे हॉरिजेंटल करना चाहते हो तो हॉरिजेंटल पे करने के बाद अप्लाई पे प्रेस करोगे तो आप देख रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर हॉरिजेंटली ये चीज़ ड्रॉ हो चुकी है। इसी तरह अगर आप ये चाहते हो कि टेक्स्ट वाटर मार्क के बजाय आप कोई पिक्चर ऐड करो यहाँ पर, तो हम पिक्चर के ऑप्शन पर आएंगे यहाँ पर और यहाँ से हम पिक्चर चूज़ करेंगे। तो इसके बाद वर्क ऑफ लाइन पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से ऑप्शन आ चुका है, मैं पिक्चर पर आता हूँ और जो पिक्चर आपको रिक्वायर्ड है, जो आप चाहते हो अपने बैकग्राउंड में एज अ वाटर मार्क लगाना, उस पिक्चर को आप सेलेक्ट करोगे। मैं इसको चूज़ करता हूँ और उसके बाद इसे अप्लाई कर देता हूँ बैक पे। तो आप देख रहे हो कि बैक पर वो इमेज आ चुकी है, यहाँ पर वॉश आउट के साथ है यहाँ पर चेक लगा हुआ। मैं इस चेक को हटाता हूँ तो आप उस इमेज को डार्क वे पर देख सकते हो, एज अ बैकग्राउंड पर वो एडजस्ट हो चुकी है। ऑटो का मतलब यहाँ पर बिल्कुल वही है जो टेक्स्ट का है, आप इस अपने मर्जी से भी साइज़ दे सकते हो। तो अगर आप 500% दोगे तो आपके पेज से आउटर हो जाएगा, लेकिन उसका साइज़ जो होगा वो 500 पे हो जाएगा। तो यही वजह है कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ऑटो को या फिर 100% को, जिससे वो पूरे पेज पर एडजस्टमेंट उसकी हो जाती है, क्योंकि मैंने ऐसे करके दिखाया। ये तमाम पेजेस पर आ चुका होगा क्योंकि वाटर मार्क हमेशा मल्टीपल पेजेस जितने आपके डॉक्यूमेंट पे होते हैं उन तमाम पर आ रहा होता है। अगर आप वाटर मार्क को ख़त्म करना चाहते हो, नो वाटर मार्क पर चेक लगाओगे और उसे ओके कर दोगे, तो अगर टेक्स्ट का वाटर मार्क हो या फिर इमेज का हो, वो तमाम वाटर मार्क आपका ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो है पेज बॉर्डर का। तो पेज बॉर्डर पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पेज बॉर्डर को शो कर रहा है। ऑल दो अगर मैं सिर्फ बॉर्डर पर आऊँगा तो किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट की बात हो रही है, जो कि हम बॉर्डर के ऑप्शन में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी वो ऑप्शन मौजूद है। पहले हम पेज बॉर्डर को देखते हैं, देन हम बॉर्डर एंड शेडिंग को देखेंगे। तो बॉर्डर पर आने के बाद मुझे बॉक्स बनाना है, नन पे क्लिक हुआ है, नन का मतलब कुछ भी नहीं। तो आप प्रीव्यू में भी यहाँ पर देख रहे हो कि कोई नहीं है, लिहाजा मैंने बॉक्स पे क्लिक किया। तो आप प्रीव्यू में देख रहे हो कि चारों तरफ ये बॉर्डर आ रहा है, आप यहाँ से बॉर्डर की कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिस स्टाइल लिया। कलर आप ऑटोमेटिक देना चाह रहे हो तो वो ब्लैक आ जाएगा, आप कोई कलर खुद से चूज़ करना चाहते हो तो वो आ सकते हैं यहाँ से। फिर इसी तरह अगर आप चाहते हो कि तमाम डायमेंशन ना आए, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट एंड राइट आए, तो यहाँ से आप ख़त्म कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि टॉप एंड लेफ्ट और राइट ख़त्म हो जाए, टॉप एंड बॉटम शो हो, तो आप इस तरह से कर सकते हो। चारों चाहते हो चारों पे चेक लगा दो। अब यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट का जिक्र है, इसका मतलब है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें अप्लाई होंगी। तो मैं ये होल डॉक्यूमेंट पे रखते हुए इसे ओके प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि तमाम पेजेस पर पेज बॉर्डर आ चुका है। पेज बॉर्डर पर दोबारा क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं इसके शेडो पे चलता हूँ। तो ये देख रहे हो आप, शेडो का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यही शेडिंग यहाँ पर भी मौजूद है, ऑल दो यहाँ पर शेडिंग जो है वो कलर के भी आप पर। तो मैं रेड कलर लेता हूँ यहाँ पर, तो आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड शेडिंग आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो शेडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर के भी आप पर है, लेकिन ये पूरे पेज के शेडिंग पर आ रही है। लिहाजा मैं यहाँ पर इसे 5% करता हूँ और उसके बाद ओके प्रेस करता हूँ। तो ये देख रहे हो आप, अप्लाई सिर्फ पैराग्राफ पे हो रहा है, ठीक है। मैंने इसे ओके प्रेस किया तो आप देख रहे हो कि जिस जगह मेरा कर्सर मौजूद था वो सिलेक्टेड एरिया हमारा सिर्फ उस पर आ चुका है डॉटेड के साथ बैकग्राउंड पर। कंट्रोल जेड करके इसे ख़त्म करता हूँ, दोबारा पेज बॉर्डर पर चलता हूँ और हमने होल डॉक्यूमेंट को यहाँ से देख लिया। आप इसी चीज़ को शेडो पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लिहाजा अभी हमने शेडिंग देखा था, अब मैं शेडिंग ख़त्म कर चुका हूँ, शेडो पर आता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि पेज बॉर्डर पे भी शेडो मौजूद है, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर है, लेकिन
ना तो इस जगह है ना इस जगह है। दोबारा चलते हैं पेज बॉर्डर पर। आप इसे 3D इफेक्ट भी दे सकते हो और इसी तरह कस्टम इफेक्ट भी दे सकते हो जैसा आप खुद चाहते हो। तो 3D इफेक्ट या फिर बॉक्स पे दोबारा मैं वापस आता हूँ और यहाँ से आप उसकी विड्थ बता सकते हो कि जो बॉर्डर होगा आपका उसकी विड्थ क्या होगी। बाज़ दफ़ा हमें विड्थ की नहीं बल्कि किसी आर्ट डिज़ाइन की ज़रूरत होती है, तो वो आर्ट डिज़ाइन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। फ्रूट्स के नेम है, इसी तरह कोई बॉर्डर स्टाइल है वो भी आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से उस डिज़ाइन को लेने के बाद भी आप बॉर्डर बना सकते हो। तो मैंने उसे भी दिया और उसके बाद ओके प्रेस किया, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि वो डिज़ाइन यहाँ पर ऐड हो चुका है। सिमिलरली दोबारा हम पेज बॉर्डर पे चलते हैं और हमने होल डॉक्यूमेंट को देख लिया है। इसकी विड्थ और हाइट भी यहाँ से हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जो बॉर्डर के डिज़ाइन है आप प्रीव्यू में चेंजेस देख रहे होंगे, तो यहाँ से आप उसे भी चेंज कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पर 5 विड्थ कर दी, देन इसे ओके प्रेस किया, तो आप इसके पिक्सल्स पे चेंजेस देख रहे हो बॉर्डर पे कि इसकी विड्थ बहुत कम हो चुकी है। सिमिलरली दोबारा पेज बॉर्डर पे चलते हैं, हम फर्दर ऑप्शन को चेक करते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और बॉक्स पर आने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो दिस सेशन, इसका मतलब है जिस सेशन पर आप मौजूद हो, जो डॉक्यूमेंट इस वक्त ओपन है सिर्फ उस पर अप्लाई होगा। अगर आप चाहते हो किसी सिलेक्टेड पेज पर बॉर्डर आए उसके अलावा ना आए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट पेज मौजूद है तो फर्स्ट पेज पर सिर्फ बॉर्डर का चारों तरफ बॉर्डर आएंगे, जिसके अलावा जितने पेजेस होंगे उस पर नहीं आएंगे। लिहाजा मैंने यहाँ से क्लिक किया और ओके प्रेस किया, तो आप देख रहे हो कि किसी पे भी बॉर्डर नहीं है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल फर्स्ट पेज पर आ जाऊँ तो यहाँ पर बॉर्डर आ रहा है, इसके अलावा किसी भी पेज पर बॉर्डर नहीं है। इसी तरह हम पेज बॉर्डर पर दोबारा चलते हैं और यहाँ पर एक और ऑप्शन मौजूद है जो हमारे फर्स्ट पेज के अलावा होता है, लिहाजा मैं इसके लास्ट पर आता हूँ। ये लिखा हुआ ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, यानी फर्स्ट पेज पर बॉर्डर नहीं होगा, उसके अलावा तमाम पेजेस पे होगा। तो मैं इस पर अप्लाई करने के बाद देख रहा हूँ कि तमाम पेजेस पर बॉर्डर है, लेकिन अगर मैं टॉप पर आता हूँ इस पेज पर हमारे बॉर्डर नहीं है। तो पेज बॉर्डर के बाद हमारे पास पेज कलर यहाँ पर मौजूद है, इससे हम पेज पर कलर दे सकते हैं। तो जो आप कलर लोगे वो पूरे पेज पर कलर हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये जाना इस टैब पे कि डिज़ाइन टैब क्या है और इसमें किस तरह से हम अप्लाई करते हैं।